दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स का वीडियो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज, यानी अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे है। बात करें, आज है 22 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आग की तरह फैला दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने SAA MAR अभियान लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड सरकार ने SAA MAR अभियान लॉन्च कर दिया है। SAA MAR का पूर्ण स्वरूप है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। मुख्य पॉइंट इसमें एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से SAA MAR अभियान शुरू किया गया। यह अभियान कुपोषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई विभागों को एकजुट करता है। चलिए आपको झारखंड के बारे में बात करें। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बात करें, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कैपिटल है रांची। फर्स्ट सीएम बाबूलाल मरांडी, फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार जी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड का हाईकोर्ट झारखंड में है। चीफ जस्टिस है रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में झारखंड। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिलेंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को। बात करें 20 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। यह दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2021 का थीम है सभी के लिए खुशी हमेशा के लिए, यानी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। मुख्य बिंदु की बात करें तो यह दिन मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत के रूप में खुशी को पहचानता है। यह मनुष्यों के समग्र कल्याण से जुड़ा है। बात करें इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 में प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। आज से आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में वो रहेगा पॉइंट, उसे आप लोग को दूसरे कलर से लिखा गया है। इसे आपको आसानी से याद करने में मदद मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस देश ने SCO के नैरोज समारोह में भाग लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। बीजिंग में भारतीय दूतावास ने 20 मार्च 2021 को चीन के बीजिंग में संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के सचिवालय में आयोजित नैरोज समारोह में भाग लिया। नॉरेज ईरानी और फारसी नववर्ष समारोह है। समारोह में भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री ने भाग लिया। इसमें साथ ही अन्य SCO सदस्य देशों के राजनयिकों में शामिल थे, जिनमें चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। इस उत्सव में 500 से अधिक मेहमानों ने हिस्सा लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए कानून पारित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। स्पेन की संसद ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किया। इस प्रकार स्पेन ने कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देता है। इस कानून को पारित करना समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांजेज की सरकार के लिए प्राथमिकता थी। यह कानून जनता के दबाव के बाद तैयार किया गया था, जो कई हाई प्रोफाइल मामलों के कारण उत्पन्न हुआ था। चलिए आपको स्पेन के बारे में बातें हैं। बात करें स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मोनार्क है किंग फिलिप 6। प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांजेज, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
करेंसी यूरो, नेशनल डे 12 अक्टूबर, हाइज माउंटेन माउंट टीएडे। लार्जेस्ट लेक है लागो डे सनाब्रिया। बात करें स्पेन के पार्लियामेंट का नाम है कोर्ट्स। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में स्पेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने अफगान शांति बैठक की मेजबानी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रशिया। बात करें 18 मार्च 2021 को रूस ने अफगान शांति बैठक की मेजबानी की। इस बैठक का आयोजन सरकारी प्रतिनिधियों और तालिबान सलाहकारों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को शुरू करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी इसमें भाग लिया। मुख्य पॉइंट की बात करें तो यह बैठक एक दिन के लिए आयोजित की गई थी। यह 3 नियोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बीच पहली बैठक थी। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के लिए 1 मई 2021 की समय सीमा के पहले 3 बैठकों की योजना बनाई गई है। चलिए अब आपको रशिया के बारे में बातें हैं। बात करें रशिया की कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल, नेशनल डे 12 जून, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एल्ब्रस, लार्जेस्ट लेक है बैकाल। बात करें पार्लियामेंट नेम की तो ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको सेकंड डिजिट बताते हैं। सेकंड डिजिट है 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अविनाश शाबले। बात करें भारतीय एथलीट अविनाश साबले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, यानी 8 घंटा 20 मिनट 20 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ 26 वर्षीय अविनाश ने दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में 8 घंटा 21 मिनट 23:37 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अविनाश शाबले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में श्रम मंत्रालय और किसने सर्वेक्षण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी ई सी आई एल। श्रम ब्यूरो, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कार्यालय करता है, ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत श्रम ब्यूरो को तकनीकी और जन शक्ति सहायता प्रदान की जाएगी। बात करें BECIL के इस समर्थन से प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण करने में मदद मिलेगी। यह समझौता IT सक्षम सर्वेक्षण की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसमें ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण BECIL द्वारा प्रदान की गई तकनीक के साथ एकीकृत किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति कौन करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, BDL। बात करें रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के साथ 1188 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे के बाद BDL भारतीय सेना के लिए 49,60 मिलान 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM की आपूर्ति करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इन मिसाइलों के लिए मार्च 2016 में BDL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बात करें मिलान 2T ATGM के बारे में, यह एक टैंडम वारहेड ATGM है जिसकी रेंज 1850 मीटर है। इन मिसाइलों को उत्पादन BDL द्वारा फ्रांस के MBDA मिसाइल सिस्टम से लाइसेंस के तहत किया गया है। इस वारहेड में फॉरवर्ड चार्ज और एक रियर चार्ज शामिल होता है, जिसे ब्लास्ट सील द्वारा अलग किया जाता है। इन मिसाइलों को 3 साल में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। चलिए आपको भारतीय सेना इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बताते हैं। हेडक्वार्टर होता है इसका न्यू दिल्ली में। कमांडेंट चीफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल है मनोज मुकुंद नरवाने जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में फर्स्ट कमांडर इन चीफ
KM करियप्पा जी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें इंडियन नेवी के तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह जी। इसकी स्थापना 1612 में हुई है। बात करें इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया जी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बात करें हरियाणा विधानसभा ने 18 मार्च 2021 को हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक बिल 2021 पारित किया। इसके तहत अगर प्रदर्शनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो उनसे मुआवजे की वसूली की जाएगी। विधेयक के प्रावधान हैं, यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में संपत्तियों की क्षति की वसूली का प्रावधान है। इस बिल में दायित्व का निर्धारण करने के लिए दावा अधिकरण यानी क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन करने, नुकसान का आकलन करने और क्षति की क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान भी शामिल है। चलिए अब आपको हरियाणा के बारे में बताते हैं। बात करें हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM भगवत दयाल शर्मा जी। फर्स्ट गवर्नर धर्मावीरा। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हरियाणा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की है। कोविड-19 महामारी के बीच इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट 3 संकेतक जीवन मूल्यांकन, सकारात्मक मनोभाव यानी पॉजिटिव इमोशंस और नकारात्मक मनोभाव यानी नेगेटिव इमोशंस पर निर्भर होकर व्यक्ति परक कल्याण को मापती है। मुख्य पॉइंट की बात करें तो इसमें फिनलैंड को फिर से दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में नामित किया गया, क्योंकि इसकी समग्र रैंकिंग 2020 के सूचकांक के समान थी। बात करें डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड ने रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका को 19वां स्थान रखा गया है। भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जाने से पहले आपको थर्ड डिजिट बताते हैं। थर्ड डिजिट है 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में न्यू ग्रोथ ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अजिंक्य रहाणे को। छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देने वाली कंपनी न्यू ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। यह समझौता 1 साल के लिए जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। रहाणे अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने वाले अभियान में शामिल होंगे, जिसमें छोटे व्यवसाय के लिए न्यू ग्रोथ के माध्यम से ऋण की खरीद में सरलता के बारे में बात की जाएगी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये अजिंक्य रहाणे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। IIT बॉम्बे की एनर्जी स्वराज यात्रा बस को किसने बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर चेतन सोलंकी जी। बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनर्जी स्वराज यात्रा बस में सवारी की, जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉक्टर चेतन सोलंकी ने बनाया है। बात करें इसमें एनर्जी स्वराज यात्रा बस सौर ऊर्जा पर चलती है। इसमें संपूर्ण कार सह आवासीय इकाई यानी वर्क कम रेसिडेंशियल यूनिट भी शामिल है। प्रोफेसर वर्ष 2020 से सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बस में यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 2030 तक जारी रहेगी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है डॉक्टर चेतन सोलंकी जी और ये रमेश पोखरियाल निशंक जी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ग्राम उजाला योजना हाल ही में कब लॉन्च की गई? इसका
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 19 मार्च। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। ग्राम उजाला योजना हाल ही में 19 मार्च को लॉन्च की गई। भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च की। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने किया। ग्राम उजाला योजना के बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। ग्राम उजाला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करेगी। आप लोग याद रखिए ग्राम उजाला योजना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस लिए लागू, यानी एलईडी बल्ब के लिए ये स्कीम लाया गया, या भारत में इस तरह की पहली योजना है। यह इन क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करेगा। यह योजना सरकार के समर्थन या सब्सिडी के साथ नहीं आती है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में कुछ 600 मिलियन एलईडी वितरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना का पहला चरण, यह योजना बिहार के आरा जिले से शुरू हो गया। इस चरण में मतलब जो चरण है, इस चरण में आरा, बिहार, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, नागपुर, महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गाँव में लगभग 15 मिलियन एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन कराते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति के प्रमुख एचके मित्तल जी हैं। बात करें भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन विमान मध्य भारत में एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ है। बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फिन एनर्जी जेवी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए एल्युमिनियम धातु के साथ लिथियम को रिप्लेस करेगा। बात करें मनोज सिन्हा जी ने प्रोजेक्ट आवाम की बात का उद्घाटन किया है। बात करें महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने डॉन अंडर द डोम नामक ई बुक जारी की है। बात करें बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी पुस्तक का विमोचन जनरल बिपिन रावत जी ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम ई संजीवनी है। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने सोमालिया पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है। बात करें PNB ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है। भारत में आयु निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश इटली बना है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी SBI। क्वेश्चन 2 था किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी माइकल होल्डिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका यानी IBSA महिला फोरम की कौन सी बैठक का आयोजन वर्चुअली हुआ है। क्वेश्चन ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा उत्साह मिलता है ताकि ऐसे वीडियो मैं और बना सकूँ। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी डोज को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें, लास्ट डिजिट है 0। थैंक यू।